मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया गया है और उसमें आप भी आपको भी सम्मानित किया गया है वुमन? या मुझे जो सम्मान मिला दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज एंड मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ किरण का एंड ऑफ कोर्स सुपर वुमन का एंड ऑल हु आर एसोसिएटेड विद सुपर वुमन। सीरियसली औरतें आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ गई हैं, चांद के परे भी पहुँच गई हैं, दिमाग से तो कम से कम ये ऑफकोर्स, बट फिर भी कई जगहों पे औरत आज भी शोषित है। और मैं किसी भी औरत के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि जो अगर आपको आपका बेटा जो आपके जिगर का टुकड़ा है ना कुछ गलत करता हुआ दिखे तो सबसे पहले तमाचा आप मारें, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे ना तो वो बाहर जाके किसी और को काम, तो वो बाहर जाके किसी और को देखेंगे और अल्टीमेटली निर्भया जैसे कांड होंगे। तो आपकी दायित्व है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को रोके और मारिए मत। वो थप्पड़ जो है ना, थप्पड़ का जो डर होता है वो बहुत बड़ा होता है थप्पड़ पड़ने से भी ज्यादा कि पड़ जाए। समझाएं कि क्या गलत है, औरतों की इज्जत करना सिर्फ मतलब देवी की प्रतिमा को पूजेंगे औरत को नहीं पूजेंगे, ये तकलीफ इस बात की वाकई मुझे तकलीफ होती है। मेरे साथ कलकत्ते में ये कांड हो चुका है दुर्गा पूजा के दौरान, जहाँ मैं एक छोटी सी चिड़िया जो चिड़िया का बच्चा लेके जहाँ मैं एक छोटे से चिड़िया का बच्चा लेके खड़ी थी उस इंसान तक पहुँचाने के लिए जो उसकी देखभाल कर सकता था, बिकॉज मुझे बॉम्बे वापस मुंबई वापस आना था। अष्टमी का दिन था, नाली के किनारे खड़ी थी एक छोटा सा केज लेके, कोई गया था टैक्सी लेने के लिए, एक आदमी आया बाइक में, ऐसे बाइक से उतरा कि मतलब मैं लिटरली बॉडी से ऐसे हुई कि क्यों हो गया। मैंने कहा दादा की कुछ देखे ना हो जाओ, मतलब नॉर्थमा आज कुछ है मतलब नाली है पीछे झाड़ना, दैट इज व्हाट आई गॉट। And he went right inside the pandal of the Devi. Weird. ये double standards को समझ नहीं आते। Honor करना है तो उसकी भी करिए जो अदृश्य है, और उसकी तो जरूर करिए जो सामने है। दिल दुखाने का किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना उसका परिणाम यही बन जाता है। सुपर वुमन के सभी सदस्यों का और जो भी सुपर वुमन से जुड़ना चाहते हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि आप में वो ताकत आया कि आप इस ग्रुप में जुड़े। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके बारे में पता लगा, हम आप सबसे मिले। मैम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ चल रहा है आपके व्यूअर्स या हमारे व्यूअर्स या दर्शक, आप जानना चाहते हैं कि क्या कुछ और चल रहा है लाइफ में और क्या कुछ कर रही हैं? जी जी लाइफ में तो बहुत कुछ कर रही हूँ और इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। लॉकडाउन ने मुझे बहुत ताकत दी है, लॉकडाउन ने मुझे सिखाया है कि यू ही चला चल रही, यू ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। बिकॉज लॉकडाउन में तो मैं पागलों की तरह सर भर बुला के सड़कों पे घूम रही थी, 19 साल से जानवरों के लिए काम कर रही हूँ अपने खुद के पॉकेट से। लॉकडाउन में मेरा अकाउंट 0.00 आ गया था और मैं ऐसी हाल रही थी। बड़े होने के बाद पहली बार अपने पिताजी के पेंशन पे जिया मैं 11वीं कक्षा में थी, तब से मैं काम कर रही हूँ, मैं टीचर भी थी, तब से मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, लेकिन लॉकडाउन में मैं अपने पिताजी के पेंशन पे थी। ओके और जब मुझे भूखे लोग मिले सड़क पे, मैंने बोला कि जो घर में बटेगा वही बाहर बटेगा, भले ही वो खिचड़ी क्यों ना हो, खबरदार किसी ने कोई चीज एक्स्ट्रा बोली मुझे तो कुछ
और जुड़ते चले गए, आज भी जुड़े हुए हैं, जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। ट्रांसजेंडर्स, ब्लाइंड एसोसिएशन, टॉबलर एसोसिएशन, सेक्स वर्कर्स, मैं रेड लाइट एरिया तक हो गई थी। सिर्फ मुंबई के अंदर नहीं, नाला सोपारा में भी जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं एंड नायगांव में भी जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, उनकी बिल्डिंगों के जर्जर हालत की वजह से वहां तक भी गई थी और उनकी हालात देख के मैं बीमार पड़ गई। ये मतलब वो जो एम्पैथेटिक होते हैं उनको समझ में आता है। हालांकि बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया उस न्यूज पे कि सेक्स वर्कर्स को कुत्ते किया, शेम ऑन यू, वो भी तो इंसान है। और हमारे खुद के जो किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें तो